डरेगा डर बहुत बेक ओरिजिनल मैदानी मांझा भाई तो गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल है। मेरे को लगता है जातिक की बढ़िया होंगी और बढ़िया ही रहना है। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ हर्षित भाई के घर। आज वो कोई नया मांजा लेके आ गए हैं खतरनाक सा, जो कि अपना फेवरेट फरमूद भी। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं हर्षित भाई के यहाँ, देखते हैं क्या सीन है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा ही कोहरा हो रहा है, ठंड हो रही है और पतंगे तो हमारे यहाँ कम उड़ रही है, वहाँ पे ज्यादा उड़ रही है। तो मैंने कहा चलो यार, अब देखो चोली इतनी मच रही है पतंग उड़ाने की, मतलब मेरे पे रहा ही नहीं जा रहा बिना पतंग उड़ाए। तो मैंने कहा चलो यार पतंग उड़ाने चलते हर्षित भाई के घर और थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे और अपना जो नया छोटा पप्पी है वो भी देख लेंगे इसी बार में, क्योंकि भाई हमने बहुत दिन से देखा ही नहीं, 3-4 दिन हो गया देखा ही नहीं। तो मैंने कहा यार बिल्कुल मतलब अंदर से तलब उठ रही है कि देख क्या हूँ, कैसा है वो, क्या कर रहा होगा, क्या करता है वो पूरे दिन। तो मेरा तो बड़ा मन है देखने का। तो गाइस चलो फटाक से चलते अपने धल्लो बाहर ही खड़ी। ये देखो गाइस क्या हाल है, पतंग उड़ रही कट गई, चल कोई नहीं, अच्छा अटक गई। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ताल लगा रखे लोगों ने, तो लोग बच्चों की पतंगें अटक जाती है। फिलहाल चलते तो गाइस जैसा कि फिलहाल मैं हर्षित भाई के घर पहुंच चुका हूँ और शीशा कितना गंदा हो रहा है, मतलब साफ सफाई भी नहीं करते। तो अपन आलसी हर्षित भाई के यहाँ पहुंच चुके हैं, हम देखते हैं जरा पहले छोटे पिल्ले को देखते हैं। वापस करना है क्या? आंटी कह रही है सोने नहीं देता, इधर आ। इधर आ ले। अच्छा डरेगा, हो डर रहा है तो मेरे से। जा चलो मम्मी पास, चलो मम्मी के पास, नहीं जाना क्या, चलो कह रहा आप तो आंटी मेरी मम्मी है। तो गाइस फिलहाल हमने अभी देखा वो कैसे परेशान कर रहा है आंटी को, आंटी को खुद को परेशान कर रखा है। हर्षित भाई तो छोड़ दिया। तो गाइस ऐसा कुछ मांझा लिया है थे हर्षित भाई अपना खरीद के, एकदम मस्त फरमूद बेग ओरिजिनल मैदानी मांझा। यही एक ऐसा मांझा है जो कि मतलब खतरनाक हो रखा है। मैंने तो इसे दोबारा रीपैक कर दिया, हर्षित भाई ने अनबॉक्स कर दिया था अपने चैनल पे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसी पैकिंग आती है इसकी, मतलब देखो सही लग रहा है ऐसा लिखा था। ये फजल बेग उसका लड़का है और फरमूद बेग ये हुआ करता था, ये वाला जो आदमी है भाई खतरनाक एकदम असली तूफानी मांझा है ये। यही एक इकलौता मांझा है जो कि मेरे को आज तक सिंपल मांझे में पसंद आया और मैंने चलो छोड़ा। मैंने कहा यार आप लोग कहते हो सिंपल मांझा और देख ही लो भाई, इससे बेहतरीन मांझा आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, बेस्ट एकदम। बाकी तो आप देखोगे अभी हम थोड़ी पतंग उड़ाते हैं। और अंशित भाई आलसी क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई, पतंगबाजी मतलब बिल्कुल उठते ही साथ टोपी पहन के छत पे आ चुके हैं, मतलब क्या बिल्कुल ही खतरनाक। और देखो भाई कौन सा मांझा है, अभी दिखाता हूँ दोबारा से आपको, खतरनाक फैजल बेग। ये है धमाल धमाल मांझा बरेली का एकदम। तो गाइस वो देखो अपनी पतंग उड़ रही है फूल एकदम फुर्ती से। तो गाइस वो देखो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो देखो वो पेच लड़ने के लिए आ रहा है। हर्षित भाई क्या करोगे तुम, हर्षित भाई दबा दो। ओ भाई बो सब चल ठाके लाटे, क्या खतरनाक ही मांझा भाई, सिंपल मांझा बेहतरीन, कला आती हो तो आप काट सकते हो किसी की पतंग। और वो देखो क्या झूल गया पतंग, मैं आते सोचा था कि अभी प्लास्टिक को काट पाएगा सिंपल मांझा, हाँ भाई बिल्कुल काट पाएगा, तभी तो मांझे बन रहे हैं। आपको यही नहीं पता लग रहा है हर्षित भाई, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो भाई इसे छुड़ाते हैं प्लास्टिक तो आप लोग बोलते हैं। हाँ ओ तो फिर दोबारा देखो हाथ कट चुका है, देखो खून निकल रहा है पूरा एकदम, मतलब मैंने तो अभी हाथ में ही ली थी पतंग और फिर दोबारा कट चुका है मेरे तो हाथ भाई, चीज मार रहा है बहुत ज्यादा तेज। हर्षित भाई टेप ला के दो मेरे को जरा। क्या क्या है हर्षित भाई, वो सब तो ठीक है, बिल्कुल ठंड हो रही है आज तो है भाई, पूरी सर्दी हो गई हर्षित भाई को। और यहाँ तो मैंने तो मफलर बांध लिया क्योंकि भाई मेरे को बाल बिखरे हुए पसंद नहीं है बिल्कुल, एकदम टोपी लगा लेते हैं ना एकदम चिपक जाते हैं बिल्कुल एकदम सेंटा क्लॉज जैसे। तो गाइस हमें तो आ रहा है फुल मजा पतंग उड़ाने में, अभी इतनी ज्यादा खास उड़ नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे वो बहुत ज्यादा वो हो रहा है कोहरा ही कोहरा, मतलब अगर आप देखोगे तो पीछे के पहाड़ पूरे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो ये फॉग है जो कि स्मॉग बन चुका है और आ चुका है धरती पे। तो गाइस ये देखो हमें चैलेंज दे रहा है, क्या चैलेंज दे रहा है तू? ओ भाई खतरनाक, हर्षित भाई को खुला ओपन चैलेंज, इतना खून, अबे पता ही डूब गई वो काटे ले ले भाई ले। ओ हर्षित भाई वो काटे, क्या ही अंधी मचा दी तुमने तो यार, खतरनाक लपेट भी लोगे क्या इतने ओपी हो रहे हो? फुल ओपी हर्षित भाई है। तो गाइस ये देखो हर्षित भाई, ओ भाई बचा लिया उसने पतंग।
रखते ही अत साफ। ओ हर्षित ने तो काट दी भाई, मेरे को तो लगा कट गई। ये क्या स्कैम कर दिया तुमने? कोई नहीं भाई, अरे यहाँ से पकड़ लेता हूँ। हो गया हर्षित भाई, देखो हो पतंग छुटाने। अबे ओपी ओपी मैन, ओपी पतंगबाजी फुल ओपी। अबे अड़ गए। ओफो ओ गाइस, कोई दिक्कत नहीं। वो देखो गाइस, अपनी बगल वाली छत पे ही पतंग आ गई है। ये देखिए, ओ क्या खतरनाक ही पतंगबाज हो रहे हो तुम तो। यानी मंगवा ले, लंगड़ मार के निकाल ले। अबे कन्ने काट दिया इसके हमने। वाह यार, तुम तो सादे मांजे से प्लास्टिक की काट रहे हो, वो भी डबल। पतंगबाजी पूरी हो चुकी है, हर्षित भाई और मैं तो नीचे आ गए, क्योंकि भाई थोड़ी ठंडी सी हवा चलने लगी, मतलब धूप तो आज पूरे दिन आई नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आ जाओ नीचे आ जाते हैं और देखते हैं क्या करना है। अब जरा देखते हैं भाई हर्षित भाई का पप्पी क्या कर रहा है। वो तो बिल्कुल एकदम मस्त हीटर के अंदर सोता है। आंटी ने बिल्कुल पूरा इंतजाम कर दिया, पर आंटी कह रही पूरा परेशान करता है वो, सुबह के समय उड़ जाता है भाई। क्यों 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 आवाजें निकालते हैं हर्षित भाई, बहुत परेशान कर रखा है। पर कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है। अंकल जी तो कह रहे हैं, हर्षित भाई के पापा जो हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई इसे उठा ले जाओ, वापस दे दो उन्हें। मैंने कहा अंकल जी कुछ दिन की बात है, रख लो, नहीं होगा तो फिर भाई देखेंगे क्या करना है। अभी तो पर हर्षित भाई पालेंगे उसे पूरा, है भाई पूरी खातिरदारी करेंगे। है पूरी भाई, मम्मी कर रही है खातिरदारी। मैं तो फिर एक बार आता हूं, सुबह दो तीन बार देख के आता हूं भाई, मेरे साथ खेलने लगता है, जैसे ही मैं जाता हूं नीचे उसके बाद फिर गायब। फिलहाल मैं घर में आ गया था, अभी गली में ही हूँ, तो मैंने मास्क नीचे किया हुआ है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको पता ही होगा, गबरू भाई को घुमा रहे थे मस्त एकदम, सुनसान रोड अपनी बिल्कुल, गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अपन क्या घुमा के लाता हूँ इसको बहुत दूर तक, तो अपना ये भी रिलैक्स हो जाएगा। जिसने सुबह से इकट्ठी करी है, अपनी कुत्ते के पीछे भाग रहा है, खींच रहा है मेरे को खींच। वो देखो भाव, एक कुत्ता घूम रहा है उसके पीछे खींच रहा है। चलो कोई नहीं, इसे घुमाते हैं। घर आ गया था और ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है, और अब पढ़ाई रही है यहाँ पे है पूरा। सुबह से तो क्लास चलती है। हाँ तो भाई इसकी सुबह से क्लास चलती है। मैं अभी आया हूँ भाई, बहुत भूख लग रही है। टाइम हो चुका है कितना? ओ भाई ये तो 5 बजने वाले हैं। तो भाई 5 बजने वाले हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगा। और यहाँ पे इसने कार चला रखी है, तो कार देखूंगा मस्त। तो भाई यहाँ पे दूध भी आ गया और यहाँ पे अपना खाना गर्म हो रहा है। फिलहाल खाना खा के हो गया है, तो आज है लोडिंग का दिन। तो अभी का प्लान कुछ नहीं है, बस हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। मैंने कहा मम्मी चलो घर पे ही बना लेते हैं, तो कुकर गर्म हो रहा है मस्त तरीके से। देखो अपना हो गया पॉपकॉर्न बन गया, पूरे घर में अंधेरा कैसे हो गया है? हैं? ये कैसे भाग गई? इन्वर्टर भी भाग गया। ओ भाई खतरनाक हो गया भाई साहब। पापा जी यहाँ पे ब्रूनो को खिला रहे हैं। अबे कहाँ ब्रूनो के नंबर ही नहीं आ रहे, जरा ये गुरु है। तो ब्रूनो और ये स्नोई दोनों खड़े हैं। और यहाँ पे एक ये भी आया है पुराना दोस्त इनका। पॉपकॉर्न खा लेते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करते हैं, अगर लाइट आ गई तो अपलोड कर देंगे, वरना देखते कैसे करना पड़ेगा। वाईफाई भी नहीं आ रहा, वाईफाई तो अभी तो नहीं चल रहा है क्योंकि वो भाई लाइट नहीं आ रही। तो जहाँ तक मेरे को लगता है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया, अगर पसंद आया तो क्या करना है, पॉपकॉर्न के साथ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सारे ब्लॉग को लाइक करना है। मिलते हैं।